फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती स्पेशल डिश मेथीना गोटा, यानी मेथी के पकोड़े। और उसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1.5 कप बेसन, 1 कप मेथी जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप, 1.5 टेबलस्पून पकोड़ा मसाला। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और यही मसाला मैंने मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा में भी इस्तेमाल किया है। 1.5 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सोडा, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 मीडियम साइज ऑनियन फाइनली चॉप, ये ऑप्शनल है, और डीप फ्राई करने के लिए ऑयल। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एक बड़े से बाउल में हम सारी सामग्री को ऐड करेंगे। चने की दाल का आटा, मेथी, चावल का आटा, चॉप किए हुए ऑनियन, ग्रीन चिलीज। आपको अगर तीखा कम पसंद है तो ग्रीन चिलीज थोड़े कम इस्तेमाल करें, लेमन जूस, पकोड़े का मसाला, रेड चिली पाउडर, शुगर और सॉल्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पकोड़े का बैटर तैयार करेंगे। पकौड़े का बैटर बहुत लिक्विडी नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से थिक होना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून गरम तेल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। मेथी के पकोड़े हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। इसे हम हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मेथी के पकोड़े तैयार है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म मेथी पकोड़ा छुंदे और चटनी के साथ सर्व करें। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।